सामान तो लेके आ चुका हूँ मगर गलत साइड पे आ गया दोस्तों। देखो यार केश कैसे बनाते हैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखो ये छोटी सी दाढ़ी तो चलते हैं सैलून में और शेविंग इसको निकाल के आते हैं दोस्तों। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। और दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोग सब बड़े और मस्त होंगे। और दोस्तों देखो सवेरे सवेरे इतनी बारिश हो कि यहाँ पे अभी मेरे को ठंडी लग रही है और देखो ट्रैक सूट पहनना पड़ा ठंडी की वजह से। और अभी तो मैं निकलने वाला मार्केट में और देखो मेरे पीछे अभी भी यहाँ पे मैंने अपने जो कलर बैच को पाँच कट्टे वहाँ पे रख दिया था। और दोस्तों देखो क्या हो गया कि बारिश की वजह से अभी मेरे को पता नहीं क्या हुआ है, तो धूप निकलने देते। फिर देखो दोस्तों किटू चाय के साथ ब्रेड खा रही है। क्या कर रही है किटू, तू क्या कर रही है? तो देखो दोस्तों किटू खा रही है चाय के साथ ब्रेड। किटू मजा आ रहा है तेरे को? हाँ किटू को बहुत मजा आ रहा है। तो ये देखो दोस्तों पेपर वाले दोस्त ने तो पेपर जो है देखो पानी यहाँ पे डाल दिया और इसलिए गीला हो गया ये, तो मैं इसको सुखाने के लिए डाल दूँ और चलता हूँ मंडी के लिए। मंडी के लिए जो है घर के सब्जी का, घर के दुकान के लिए हरा सब्जी का लाएंगे और कल के मार्केट के लिए जो आलू लाएंगे और प्याज देखते प्याज अच्छी मिलेंगी तो लाएंगे। अभी धूप निकली है तो ये देखो अपनी जो प्याज रखी हुई थी अभी मैं इसको यहाँ पर जो पॉलीथीन इसकी हटा देता हूँ, इसकी प्याज जो है वहाँ पर हटा देता हूँ। देखते हैं कैसी गीली हो गई क्या क्या हो गई, तो अभी देखते हैं दोस्तों इस प्याज को। तो ये देखो दोस्तों मैंने रात को रख दिया था यहाँ यही पे रख दिया था, जगह कम होने के कारण मैंने प्याज को इधर में ही रख दिया था। अभी देख लेता हूँ दोस्तों क्या हो गया इसका। चलो यार अच्छी अच्छी रहना चाहिए ना, तो और सूखने में टाइम लगेगा। तो देखते हैं दोस्तों क्या अच्छा रहा। ये देखो हटा लिया और प्याज क्या है ऊपर से तो अच्छी लग रही है, शायद नीचे से देखो नीचे से गीली हुई होंगी क्योंकि पानी जो दोस्तों नीचे से लगा था, यहाँ तो नहीं लग रहा है और ये कट्टे जो पानी की वजह से गीले हो गए। तो चलते इसको भी ऐसा ही रहने दे, तो बाद में सुखा और सुखाने के लिए डाल देंगे। मार्केट के लिए तो मैं निकल रहा था दोस्तों और देखो पैसा ही भूल गया था, पैसे लेने भूल गया था, तो पैसे नहीं रहेंगे तो कहाँ से खरीदेंगे सर, तो ले लेता हूँ साथ में पैसे भी। 2 hours later मैं मंडी से आ चुका हूँ और देखो आलू लाया था तो जो कल के लिए है, कल के गणेशपुर के और पेट्रोल पंप थाना के मार्केट के लिए आलू वहाँ पे ढक के रख दिया था। 5 बोरे आलू लाया दोस्तों और यहाँ देखो यहाँ पे प्याज, बारिश कभी भी आ सकती थी इसलिए प्याज को अंदर रख दिया और आलू को बाहर ही रख दिया। तो दोस्तों अभी आया चुका है मेरे को भाड़ा और ये देखो भाड़े वाले का माल है जो ये बेसिन है शायद, और बेसिन है मैंने भी वहाँ पर देखा था। तो चलते हैं दोस्तों इसको लेके चलते हैं और कौन से साइड पर जाना है तो वहाँ चल के पता चलेगा। तो चलो दोस्तों अभी ले चलता हूँ आपको भाड़े के साथ। दोस्तों तो अभी मैं आज के पहले भाड़े के लिए आ चुका हूँ और यहाँ से लेके जाना है अपने को ये प्लम्बिंग की दुकान और इनके दुकान से माल लेके जाना है अपने को इनकी साइट के। और यहाँ पे देखो अभी पेंट कैसे बनाते हैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखो ये भाई अपना पेंट बना रहा है, ये देखो दोस्तों ऐसा पेंट बनाते हैं, ये पेंट बनाने की मशीन। भाई कौन सा कलर बना रहे तू? छोटी ब्लूम और देखो एग्जॉटिक ब्लूम। ओके बनने जा रहा है पेंट, इसके ऊपर मिक्स होने जा रहा है, ये मिक्सर मशीन है इसमें से डालते हैं कोड वाला। और ये दोस्त बना रहा है, एक्सपर्ट है भाई ये। तो देखो दोस्तों अभी मैं आपको अंदर का दिखाता हूँ, देखो कुछ ऐसा दिखता है। दोस्तों हो चुकी है अपनी गाड़ी लोड और देखो ज़्यादा माल नहीं है, बस ये टॉयलेट की सीट है और ज़्यादा माल नहीं है, यहाँ से लेकर चलते ज़्यादा दूर तो जाना ही नहीं, बस नज़दीक ही जाना है। तो चलते भाई, यहाँ काफ़ी समय हो गया है, यहाँ पे मैं बैठा रहा है काफ़ी समय लेट हो गया। चलते अभी इसको जहाँ पर छोड़ना है वहाँ चलते हैं।
सामान तो लेके आ चुका हूँ मगर गलत साइड पे आ गया दोस्तों। देखो यार जिस साइड पे नहीं है, साइड नहीं है, यहाँ पे नहीं छोड़ना था मेरे को, मैं गलत साइड पे आ गया। और यहाँ पे देखो दोस्तों बहुत ही कीचड़ है यहाँ पे। देखो मेरे गाड़ी जो पीछे देख सकते हो पानी, उस रास्ते पे पूरा पानी और गाड़ी भी फंस सकती है, तो निकलना पड़ेगा दोस्तों। एक तो ऊपर से गलत साइड पे आ गया, तो चलते अभी राइट साइड पे। दोस्तों यही है बेला के मार्केट की जगह, और इसी रास्ते से अपना बेला का मार्केट लगता है, और इसी रास्ते से चलने वाला है दोस्तों। देखो कितना धक्के खाते खुलते चल रहा है अपनी गाड़ी में। चलिए दोस्तों राइट साइड पे पहुंच के उनका माल उतार दिया है, अभी चलते हैं घर। तो गाड़ी के टायर कितने भर चुके हैं मैं आपको दिखाऊंगा, घर चल के दिखाऊंगा कि गाड़ी के टायर कितने भर चुके हैं। तो बहुत ही जोर की लगी है, मगर दोस्तों मैं तो सवेरे से नहाए नहीं हूँ, पहले नहा लेता हूँ फिर बाद में दोस्तों खाना खाते हो गया दोस्तों, और मैं थका हुआ सा हूँ, तो दोस्तों कुछ देर मैं आराम कर लेता हूँ अभी थोड़ा सा दोस्तों। तो आराम अभी हो चुका है, और मैंने काफ़ी ज़्यादा आराम किया। मैंने तो जो 3 बजे आराम करने के लिए गया था भाई, और अभी बज रहे 7 बज रहे, देखो पीछे वॉच में 7 बज रहे, मतलब 4 घंटे आराम किया। कल के मार्केट की तैयारी करने वाला हूँ थोड़ी देर में, अभी गाड़ी तो भरने वाला हूँ। और देखो दोस्तों अपनी छोटी सी दाढ़ी तो चलते हैं सैलून में, और शेविंग इसको निकाल के आते हैं दोस्तों। तो सैलून भी ज़्यादा नहीं है, घर के पास में, तो चलते हैं इसको निकाल के आते हैं दोस्तों। तो कल के मार्केट का सारा माल जो अपने गाड़ी में लोड कर दिया, और देखो वहाँ पे जो पीछे पड़ा रहता था वहाँ माल पूरा माल उठा दिया, और जो कुछ भी बचा था वो इधर कर दिया, और जो कल के मार्केट के लिए लेके जाने वाला माल पूरा गाड़ी में डाल दिया। उनके कट्टे इतने बड़े बड़े रहते हैं दोस्तों कि अकेले आदमी को तो नहीं उठाते भाई, तो इसलिए मेरे को मैंने नावेद भाई को बुलाया था जो मेरे साथ आए थे एक दिन, आपने सब लोगों ने देखा था, उनको मैंने हेल्प के लिए बुलाया था, क्योंकि 60-65 किलो के आलू के बोरे बहुत ही हैवी होते थे, तो उनकी हेल्प ले ली और फाइनली मना लिया। तो दोस्तों आलू के बोरे मना लिए, 4 मंडाली और प्याज भी 4 मंडाली, मगर उतने बिकते नहीं। तो आज के ब्लॉग को मैं यही करता हूँ एंड, और ये ब्लॉग आपको कैसा लगा तो कमेंट करके जरूर बता देना, और दोस्तों थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।